अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास सिक्स के लेक्चर नंबर 22 के साथ, जिसमें आज हमने आपको एक्सरसाइज 8.5 स्टार्ट करवानी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाने लगी। आपको ब्रैकेट्स के बारे में बताया गया था कि जो ब्रैकेट्स हैं वो किस तरह से किस ऑर्डर में सॉल्व होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमेशा आपके क्वेश्चन में जब बार तो आपको ये ब्रैकेट्स के बारे में मिल जाएगा, तो आप उसको रीड करेंगे तो आपको समझ आएगी। तो आप जो क्वेश्चन करवाती हूँ, सबसे पहले जिन वैल्यूज के ऊपर बार है आपने उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करने के बाद अब बार वाले हिस्से को सॉल्व करें, बाकी वैल्यूज को ऐड करें। सरकार ने बार किसके ऊपर है, ए प्लस ए के ऊपर। बार का मतलब है कि जिस वैल्यू के ऊपर बार है सबसे पहले वो वाली वैल्यू सॉल्व होगा, राउंड ब्रैकेट से भी पहले वो वाली वैल्यू सॉल्व होगी जिसके ऊपर बार होगा, क्योंकि हमेशा हम बार राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम वैल्यू ब्रैकेट फिर हम स्केयर करते हैं। अगर जब इससे भी पहले अगर बार आ जाती है तो उससे पहले बार की सॉल्व करें। ए प्लस ए कितना होता है, टू ए। अब आप बार सॉल्व होगी, आप राउंड ब्रैकेट की तरफ आए, राउंड ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस टू ए, तो यानी थ्री ए हो गया। जब ब्रैकेट में सिंगल वैल्यू रह गई थी तो आपने उसको पहले निकाला, ये बाहर आ गई। अब आपके पास वैल्यू ब्रैकेट में ए प्लस सी ए है, ए प्लस सी ए कितना हो गया, फोर ए। ठीक है, आप कर्ली ब्रैकेट में भी एक ही वैल्यू रहेगी, इसको भी ब्रैकेट से बाहर निकाल दूं, आपके पास आ जाएगा ए प्लस फोर ए। अब ए प्लस फोर ए कितना हो गया, फाइव ए। अब इस ब्रैकेट में भी एक सिंगल वैल्यू रहेगी, तो आप इसको भी ब्रैकेट से ले। सिर्फ जस्ट क्या करना है, ब्रैकेट्स में मौजूद वैल्यूज को सॉल्व कर देना। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन को रीराइट करें। अब इसमें बार नहीं है तो हम पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, और आप देख रहे हैं राउंड ब्रैकेट में है थ्री एक्स माइनस टू एक्स, थ्री में से टू माइनस करेंगे तो वन, और एक्स एज इट इज सात। अब सिंगल ब्रैकेट में आएगी कर्ली राउंड ब्रैकेट में ऊपर को निकाल दें, अब कर्ली ब्रैकेट में आ गया फोर एक्स प्लस वन एक्स यानी कि फाइव एक्स। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दें तो राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बच जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट में सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स यानी कि टू एक्स। अब इसमें भी एक ही वैल्यू रहेगी, एक को आंसर को टू एक्स। ठीक है, बहुत इजी है, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। आपकी डायरी आज की भी यही है, बुक प्रैक्टिस ऑफ सी डब्ल्यू। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।